हल्द्वानी में मार्बल स्वामी के घर से हुई चोरी मामले में पुलिस ने 24 घंटे में भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के 4 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की है। साथ ही पुलिस ने शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया शातिर चोर तौफिक बन फूलपुरा का रहने वाला है, जिस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इस चोरी की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी चोर की पहचान की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी गई। वहीं पुलिस चोर के पास से चोरी की मोबाइल भी बरामद कर चुकी है। वहीं एसएसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए का नगद इनाम भी देने की घोषणा की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सही है, इनके घर से ये चोरी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 का एक सेंट्रल मोबाइल पकड़ा गया है। ये तौफीक करके बलपुलपुरा का एक मुजरिम इसमें प्रकाश में सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस के प्रकाश में आया था। इसमें 50 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा देखे गए थे और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज संजीत राठौर की और टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मेरे द्वारा इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। तौफीक ऑलरेडी 2 मामलों में पहले जेल जा चुका है, इसलिए अभी इससे गहनता से पूछताछ जारी है। अगर इसमें कोई और चीज और घटना का खुलासा होगा तो उसको वारंट भी पे लेकर के भी हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे।